गौस साहब ने क्या कहा था? गौस साहब ने कहा कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज है, अभी समझने की कोशिश करो, समझ आ जाए ठीक है, किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज है तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेंगी, जिनको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज, ये होता है। तो गॉस थ्योरम इसके पहले हम प्रूव करा चुके हैं कि हम बात करेंगे गॉस थ्योरम जब किसी इरेगुलर शेप का गॉसियन सरफेस हो क्या होगा। देखिए हमने कहा ये एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और ये हमने इरेगुलर शेप का गॉसियन सरफेस लिया। रेगुलर शेप में तो हमने बताई दिया, तो अब इरेगुलर शेप पहली बात है इससे डिस्टेंस अलग अलग होगी, वही भी चार्ज हो सकता है, ये चार्ज इस सरफेस से दूर हो सकता है, नजदीक हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, ठीक, उसे हमको मतलब फिलहाल नहीं है। तो जो तरीका हमारा क्या होता है, हमने क्या किया, देखिए इसका छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया, थोड़ा सा यहां दो अच्छा लगेगा, छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया, तरीका वही डर कर रही पीछे वाला, और इस सरफेस एलिमेंट की खासियत ये है, ये सरफेस एलिमेंट इस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? डीओ, बस ये सॉलिड एंगल यहां पर घुस जाएगा आपको, ठीक है, और यहां से नॉर्मली ये आर डिस्टेंस पर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये दोनों के बीच एंगल है, डायग्राम समझ में आ गया। तो पहले वही तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग टू अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया टीएस, टी फाई ई, क्या फॉर्मूला बताया हमने, ई डॉट टीएस, हल्का हल्का सुनने आएगा, या आप कल क्लास में नहीं आए थे इसलिए अपने आप छुट्टी मना ली तुमने, क्योंकि आपने कहा था कि छुट्टी है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ई टी एस कॉस थीटा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से है, इस चार्ज की वजह से, कहां पर है, आर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 1/4πε0q/r² × ds cos θ। जरा एक बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं q/4πε0 लिख दूं और ds cos θ/r² लिख दूं, आप ध्यान से देखिएगा, जब मैंने सॉलिड एंगल पढ़ाया था हमने कहा था अगर कोई सरफेस नॉर्मली रखा हुआ है तो उसमें अगर ओमेगा सॉलिड एंगल है, अगर सरफेस थीटा एंगल से इससे टिल्ट हो जाए तो सॉलिड एंगल कितना हो गया था, डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, यानी कि आपका हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 × dω। ये फ्लक्स किसके द्वारा है, ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट, और आपको फ्लक्स किसके द्वारा निकालना है, ड्यू टू इंटायर सरफेस। जब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इंटायर सरफेस तो जब फाई ई करोगे तो इसका क्या कर दोगे, क्लोज इंटीग्रल कर दोगे डी फाई ई का, ये होगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ा आपको, छुट्टी ना रहे, डी फाई ई क्या हो गया, क्यू अपान 4πε0 × dω। एक्चुअली इंटीग्रल किस पर लगेगा, डी ओमेगा पर, और डी ओमेगा का इंटीग्रल क्या होता है 4π, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 × 4π, ये कट जाएगा तो फाई क्या जाएगा, क्यू अपान, सुनने की बात नहीं है, तो इरेगुलर शेप भी हम ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए कुछ बातें पहले समझ लीजिएगा, हम नोट लिख रहे हैं क्योंकि बोलेंगे, पहली बात ये कह रहे हैं कि कूलॉम्ब जो गॉस थ्योरम है वो वैलिड है जब भी सरफेस क्लोज हो, वो किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज, पूरा का पूरा चार्ज उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात कहा गया कि द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द दैट सरफेस इज जीरो देन फ्लक्स विल बी जीरो। अगर गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आप समझे तो वहां क्या कहा गया था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इंक्लोज। नेट वर्ड यूज किया गया था, मतलब क्या हुआ कि जैसे माना एक चार्ज ये था, चार्ज कहीं भी रखा हो सकता है, चार्ज कहीं भी रखा हो सकता है। जैसे यहां पर चार्ज आपने प्लस क्यू रखा, यहां पर माइनस क्यू रखा, यहां पर प्लस क्यू रखा, यहां माइनस क्यू रखा, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? जीरो, जीरो है ना। क्या यू समझिए, एक प्लस ई रखा आपने यानी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस ई रखा आपने यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक कमी है तो क्या हो जाएगा, वहां पर कमी पूरी हो जाएगी। एक प्लस ई रखा एक माइनस ई रखा तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। तो इससे फ्लक्स कितना पास होगा? जीरो। ठीक है, ये गॉस की थ्योरम। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम गॉस की थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को निकालने जा रहे हैं। अब इसमें करेंगे क्या, देखो तरीका क्या है, देखिए डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम की उत्पत्ति। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस करना है, प्रूव करना है। अब हम गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल बनाएंगे, ठीक है, ये रेगुलर शेप नहीं बनाएंगे, वो हमको बार बार डी ओमेगा बताना पड़ेगा ना, वो हम नहीं करेंगे। देखो करना क्या है हमको, है मतलब मेन होता है प्रूफ तो आता है आपको, ठीक है कैसे प्रूफ करेंगे, करना क्या है सुनिए ध्यान से। एक चार्ज हम यहां रखेंगे प्लस क्यू, ये यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इसने चारों ओर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, भोपाल जिसको कहते हैं। तो हमने क्या किया कि आर डिस्टेंस का एक हमने स्फेयर क्रिएट किया, आर रेडियस का, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या बना हुआ है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो हम इस गॉसियन सरफेस पर ये प्लस टू यहां, इस गॉसियन सरफेस पर आर डिस्टेंस पर यहां पर एक चार्ज रखना चाहते हैं प्लस क्यू नॉट, और इस पर फोर्स लगेगा, तो कूलम्ब के नियमानुसार इस पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू ई, कूलम्ब ने क्यू ई बताया था, कूलम्ब ने कहा इसकी बात, इन बात सुनी थी शुरुआत में, कूलम्ब्स लॉ क्या था, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हम यही फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है, तो जब हमको एक प्रूफ करना है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे तो प्रूफ कहाँ होगा, हम लिखे वी नो दैट ये फॉर्मूला हैंस प्रूफ्ड, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, गॉस की मदद से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, गॉस की मदद से हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज रख देंगे। और हम जानते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स रहता है क्यू इंटू ई, वो फोर्स निकालेंगे, और वो जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो किसके इसके ऊपर होना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले के हिसाब से आना चाहिए, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। जरा समझिएगा तरीका क्या होता है, देखिए पहले हम यहां पर फ्लक्स निकालेंगे अपने फॉर्मूले से, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम इसमें छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लेंगे, अपना फॉर्मूला हमारा, गॉस का नहीं, एक ही बार पी का फॉर्मूला, किसी का फॉर्मूला हो सकता है, और ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। लेकिन आपने जो सरफेस लिया है सिमेट्रिकल लिया है तो एरिया वेक्टर भी कैसा लेना पड़ेगा, इसी सरफेस के पैरेलल, ठीक है। तो अब छोटे से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी फाई ई, क्या फॉर्मूला होगा, ई डॉट डी एस, बोले तो ई डी एस कॉस जीरो, ठीक है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इंटायर सरफेस, पूरे के लिए निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी हमने गॉस का नियम भी लगा रहे हैं, अभी हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू ये दिक्कत तो नहीं है तो प्लस होता है नहीं, जहां दिक्कत पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि साहब हमको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी मालूम है तो हम, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको हिंदी मालूम उनको इंग्लिश मालूम है, और जिनको इंग्लिश मालूम उनको हिंदी नहीं मालूम है। मालूम है विद्युत फ्लक्स कहते हैं, याद ही नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस फाई ई, क्या फॉर्मूला होता है? क्लोज इंटीग्रल डी फाई, मतलब क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, ई बाहर हो गया और डी एस होता है स्मॉल एरिया, और जो आपने क्लोज इंटीग्रल लगा दिया मतलब पूरा सब निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4πr2। ये फ्लक्स किसने निकाला? ये किसने निकाला? ये एपी वाजपेयी ने निकाला। गॉस ने क्या कहा था? बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसने निकाला? गॉस साहब ने निकाला। लेकिन दोनों के नियम क्या अलग अलग है? रूल्स अलग अलग है, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो बाई इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा? ई इंटू 4πr2 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकला, ये तो निकलेगा ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान, इधर देखिए, हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। हेलो, अब मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख रहा हूं, क्यू नॉट, इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम क्या, पी दे देंगे। तो आप कहेंगे कि प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पी, तो पी पर रखने का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया, अब शेप के बारे में घुस जाओगे तो फोर्स लगेगा ना। सो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है? एफ इज इक्वल टू यू नॉट इन टू ई। ई का फॉर्मूला रुक कर चुके हैं, ई का मान रख दो, कितना आएगा? 1/4πε0 क्यू यही तो कूलम्स का नियम है। क्यों? क्योंकि क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है F प्रोपोर्शनेट Q1 Q2 है, और ये Q0 Q2, और ये दिखा रहा है F प्रोपोर्शनेट 1/r2 है। तो यही तो दो रूल वहां पर थे कि फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और बीच की डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली हो जाएगा। ओके, देखिए गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का पहला एप्लीकेशन क्या हमने बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। सावधान, देखो ये जितने भी हम प्रूफ करने जा रहे हैं इनके प्रूफ करने का एक तरीका केवल है। हम करेंगे क्या, जो चार्ज हमारे पास होगा उसको बंद कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे। अब वो डिपेंड करता है कि इनक्लोज करने के लिए हमको शेप कौन सा लेना पड़ेगा। जैसे मान लिया आप खड़े हो जाए, आपको बंद करना चाहिए, तो हमें आपको बंद करने के लिए क्या चाहिए? टर्न चाहिए। अगर हम खड़े हो जाए हमको बंद करो, तो बंद करो उसके गुब्बारे के अंदर बंद कर, बंद तो गुब्बारे के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत क्लोजली बंद करना चाहते हो तो हमको बंद करने के लिए कैसा चाहिए? सिलेंडर चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट है उसको बंद करना है, तो स्फीयर चाहिए। तो देखने से मालूम हो जाएगा ना, एक फुटबॉल को बंद करना है तो एक बड़ा सा फुटबॉल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उसको हम एक सरफेस के द्वारा बंद कर देंगे। वो प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए कि वो लगे हाँ कि वो सरफेस उसको बंद कर रहा है, ठीक, बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके छोटे से पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, जैसा तरीका हम अडॉप्ट कर रहे थे ई डॉट डी एस, और बाद में हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम कहेंगे देखो भैया ये पूरे सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया, ये फार्मूला किसका हो गया? हमारा। फिर हम क्या करेंगे, गॉस साहब ने ये कहा था कि वो पान एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। यही तरीका सब में अडॉप्ट करना है, मतलब एक यूनिफॉर्म तरीका है। अब देखो क्या कहा गया, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब इनफाइनाइट लेंथ का है, तो भैया ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर कितना लंबा बनाया जाए?
इससे बड़ा तो बना नहीं सकते हम। हम मान रहे हैं कि ये वायर इधर भी आगे चला गया होगा, इधर भी आगे चला गया होगा, इसको चार्ज दिया गया तो ये चार्ज पूरे वायर में फैल गया। अब एक इनफाइनाइट वायर में चार्ज फैला हुआ है, मतलब ये तार हमारे बिजली के लगे हैं, हमने कहा कितना चार्ज है नापू, लेके मीटर कूलाम का जो भी नियम आपका होता है लेके कहां तक नापू, यहां घूमोगे अजय सिंह के दरवाजे घूम जाओगे, विजय सिंह के दरवाजे लोधना पहुंच जाओगे सफीपुर बांगरमऊ दिल्ली गुड़गांव ऑस्ट्रेलिया नाप ही नहीं पा रहे, तो क्या तरीका उसके लिए हमने कहा था इसके छोटी सी लेंथ का आप चार्ज निकाल लेंगे और आप कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा, तो इसमें हम मान लेंगे कि हमने इसको कुछ चार्ज दिया था, कितना दिया हम तो हमको खुद नहीं मालूम, ठीक है, और वो चार्ज इस पूरे वायर में फैल गया जाकर, आपने कहा आपको नहीं मालूम हो, मालूम होना चाहिए, हमने कहा नाप लो जाकर के जा नापो, तो आप नाप नहीं सकते, तो आपने कह दिया कि लेट चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने क्या माना लैम्डा, एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा मान लिया, इसको कहते हैं क्या कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हिंदी में क्या कहते हैं देखिए रैखिक आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पहले समझ के बात करिएगा। अब आप क्या करेंगे इसको चार्ज को बंद कैसे करें, कितना बड़ा सिलेंडर लोगे इन्फाइनाइट लंबा, हमने क्या किया इस वायर का एल लेंथ ले लिया, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर हमको ये सिलेंडर हमने इतना बड़ा ले लिया, एल लेंथ का वायर हमने ले लिया और आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कहां पे आर डिस्टेंस पर कहीं भी निकालना, इसको बंद करो, कैसे बंद होगा ये किस शेप से बंद होगा सिलेंडर बंद हो जाएगा, तो हमने क्या किया इसकी आर डिस्टेंस का एक सिलेंडर लिया और हमने इस सिलेंडर में इसको बंद, सबका तरीका सेम है ध्यान रखिएगा, टफ नहीं थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हमने इसको बंद कर दिया, कितने को इतने वायर को बंद किया है केवल एल लेंथ वाले, ये तो बहुत बड़ा लंबा तार है, ठीक है, और जो ये हमने सरफेस खींचा इसको हम क्या कहेंगे गॉसियन सरफेस। अब बताओ ये बड़ा सा जो सिलेंडर है ये इस पूरे सरफेस के अंदर बंद है कि नहीं बंद है, बंद है, तो पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर है कि नहीं है, यानी गॉसियन थ्योरम लग सकती है, ले सकती है, लग सकती है, क्या अब जरा इसमें सरफेस कितने हैं, देखिए इसमें सरफेस तो एक ये है आर डिस्टेंस है ना, ये आर डिस्टेंस है, एक सरफेस ये है, इसको मान लिया सरफेस नंबर वन, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इसका एरिया वेक्टर, चलेगा, अच्छा एक सरफेस इसके टॉप पर है, ठीक है, और ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इसका एरिया वेक्टर, चलेगा, नंबर टू एक सरफेस इसके बॉटम पे है, ये है इसका एरिया वेक्टर, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चलेगा, ये सरफेस नंबर थ्री है, तो गॉस थ्योरम लगा दीजिए, पहले गॉस थ्योरम बाद में लगाएंगे, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टी फाई ई पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस, अब वो तो कोई इंडिकेशन है, आप जब फर्स्ट सरफेस करोगे तो इसे इंडिकेट करने के लिए कि वन लिखा गया, हो सकता है किसी बुक में वन ना लिखा, क्या फॉर्मूला होगा ई डॉट डी एस। अब बताइए जो फर्स्ट सरफेस आपने लिया है ये वाला, इसमें ई और डी एस के बीच एंगल कितना है, जीरो डिग्री, यानी ये ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो, यानी ये ई डी एस आ गया, नहीं समझे, ठीक है, अब जरा सरफेस टू पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल सरफेस टू, अब देखिए टू सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू ये जीरो आएगा नहीं आएगा, ऐड कर सकते हैं, और यही पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्री भी हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहां भी ई और डी एस 90 डिग्री, तो आपको केवल फ्लक्स कहां निकालना पड़ेगा इस सरफेस में, सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंटायर गॉसियन सरफेस, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस या डी फाई ई, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, तो ई तो
बाहर हो गया। अब देखिए इस सिलेंडर का ये डिस्टेंस आर माने मानो कि बाहर रेडियस है ना, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, वर्क पृष्ठ क्या होता है, उसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर, थ्री पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर एच होता है, वक्र पृष्ठ कहा जाता है। ये हो जाएगा इंटू टू पाई आर एच, एच बोले तो एल, टू पाई आर एल। ये किसने निकाला, ये मैंने निकाला, ठीक। अब यहां गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, समय ही करना, पहले हम निकालेंगे फिर गॉस को अप्लाई करेंगे, इसे नोट करिए। तो ये फ्लक्स हमने निकाला, अब जरा गॉस थ्योरम की बात करते हैं, बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आप कहेंगे साहब तो क्यू आ गया, क्यू तो हमको जानकारी नहीं थी क्यू कितना है। ये बताइए आपने गॉसियन सरफेस में सिलेंडर बंद किया था, ये तार बंद किया था, उसकी लंबाई कितनी थी, इसमें कितना चार्ज था, भाई यूनिट लेंथ में लैम्डा आपने माना है ना, कि लंबाई जब वन है तो चार्ज एल लैम्डा है, और जब लंबाई एल है तो चार्ज लैम्डा एल है, एल लैम्डा कर दीजिए तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एल, तो फाइव इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने निकाला, ये गॉसियन साहब ने निकाला, हम दोनों अलग अलग थोड़े ही हैं, दोनों को इक्वेट कर दिया, वाई इक्वेशन वन एंड टू दोनों को इक्वेट कर दो, तो ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल कट जाएगा, वैसे भी एल आपने अपने आप दिया था ना, एनी लेंथ एल, तो एनी लेंथ चला गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन आर। ये फॉर्मूला होगा, एक एक कंफ्यूजन में मत रहिएगा, कभी कभी करते क्या है, यहाँ क्योंकि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पर फोर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं टू लैम्डा, तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये यहाँ फोर कर देते हैं, वहां टू एल कर देते हैं, बात वही है। अच्छा अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्चुअली में डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो रेडियस वेक्टर आपने लिया था ना आर का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही तो थी आर की डायरेक्शन में, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वेक्टर क्वांटिटी में हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए इसको। एक बार दो ध्यान से समझिएगा, यहां पर ई प्रोपोर्शनेट वन अपॉन आर है, यहां पर ई प्रोपोर्शनेट वन अपॉन आर है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे ये बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी ई प्रोपोर्शनेट वन अपॉन आर स्क्वायर होता है, किस केस में प्रोपोर्शनेट वन अपॉन आर होता है, तो आप कहेंगे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली होता है, एक लाइन में होता है, जब पॉइंट चार्ज होगा तब ये रूल फॉलो करेगा आर स्क्वायर वाला, अगर लाइन चार्ज है एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है तो प्रोपोर्शनेट वन अपॉन आर होगा, ये पहला रूल होगा, नोट करिए इसको। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, पहली बात समझिएगा, हम जो शीट ले रहे हैं ना वो इतनी पतली ले रहे हैं, इतनी पतली ले रहे हैं कि हम मान रहे हैं उसमें एक ही सरफेस है, मतलब सरफेस तो दो होते हैं लेकिन इतनी पतली हम शीट लेंगे कि हम क्या मानेंगे सरफेस, जो बहुत दुबला होता है क्या करते हैं, देखो एक पेट पीटी उनको मिला है जिसे ला देते, ऐसा कहते नहीं कहते नहीं, नहीं भी कहते होता नहीं भी कहते हम लोग, लेकिन जल्दी यही कहते हैं ना, तो पेट पीटी मिला तो होता नहीं, एक एक एजम्पशन है इतना दुबला कि पेट पीट अलग अलग नहीं की जा सकती, वही आगे करने जा रहे हैं। देखो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो हमने कहा ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसकी एरिया कितनी है, बहुत ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा है बस पूछो ना, इसको मैंने चार्ज दिया तो चार्ज क्या होगा इसमें पूरे में फैल जाएगा, ये सब फैल गया इसमें, तो क्या पूरे चार्ज को आप नाप सकते हैं, पूरे चार्ज को आप नाप सकते हैं, कोई तो बोलेगा नहीं आप नाप तो हम लिख सकते हैं, नहीं नाप सकते तो आप क्या करेंगे, इसका छोटा सा एरिया ले लेंगे
तो आप कहेंगे भैया देखो यूनिट एरिया का चार्ज इतना है, जितना एरिया होगा। जैसे पूछा गया समुद्र में कितने बाल्टी पानी है, बता, ये पूछा गया समुद्र में कितने बाल्टी पानी है, यूपीएस सीआईएस के इंटर पूछा गया। तो उसने कहा भाई सामने वाले ने कि बाल्टी के साइज क्या है, इन कंपेरिजन टू समुद्र, अगर बाल्टी के साइज एक समुद्र के बराबर एक बाल्टी पानी है, आधा है तो दो बाल्टी पानी है, तो हमको कितना चार्ज है। तो आप कहेंगे भैया यूनिट एरिया का चार्ज इतना है, जितना एरिया बता दो चार्ज बता देंगे। तो हमने मान लिया कि लेट चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया हम सिग्मा मानते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप इसका कष्ट करें, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझे। अब यहां थोड़ा लफड़ा है, हम इसके छोटे से पार्ट को लेते हैं, हमने इसका इतना बड़ा पार्ट ले लिया, ठीक, किसी शेप में ले सकते हैं, सिलिंड्रिकल ले लो, क्यूबॉइड ले लो, क्यूबिकल ले लो, और इसमें गॉसियन सरफेस खींच दो, ये एक सरफेस है, ये छोटा सा पार्ट लिया, अब इसमें हम इसको अंदर घुसर नहीं सकते हैं, चोट लग जाएगी, ये हमने गॉसियन सरफेस खींच दिया, ठीक है, यानी गॉसियन सरफेस जो खींचा है उसमें ये वाला चार्ज इतना वाला पार्ट, ये गॉसियन सरफेस, तो हमें ये गॉसियन सरफेस खींच दिया, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस। अच्छा आप डॉटेड खींचो, पूरा खींचो, चलेगा, क्या बचा सकते हैं, बचा नहीं, बता सकते हैं इस गॉसियन सरफेस में कितने पृष्ठ हैं, कितने सरफेस हैं, तीन है, एक सरफेस वन नंबर ये, एक सरफेस टू है, और एक सरफेस ये वाला पूरा है, थ्री थर्ड वाला है, ठीक है। इसका एरिया आपने कितना लिया है, ये लिया है, अब इस सीट का एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, तरीका क्या होता है, इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, और ये है डीएस, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे आओ, इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, ये है डीएस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, ये है डीएस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना है, वन इधर लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है, सरफेस से निकलेगी तो सरफेस क्या, इसको चार्ज आपने दे रखा है, सरफेस इससे निकलेगी ना, तो सीट से यार ऐसे निकलेगी, तुम सीट में बीच जाओगे तुम्हारा ऐसे घूम जाएगी, अगर एक ये सीट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, अगर आप कोई सरफेस यहाँ यहाँ रखोगे तो यहां से आके कैसे घूम जाएगी, अपनी सीट से नॉर्मल निकलेगी ना भाई, किसी सीट से नॉर्मल निकल रही है, आप खड़े हो जाओ सामने तो आपके पेट से ऐसे निकलेगी, खोपड़ी से ऐसे निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, ठीक है, झाड़ू ऐसे सामने ऐसे आ रही, बांस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा नहीं है, आप खड़े हो जाओ सामने, ऐसे लाइन्स आई आपको पार कर जाएंगी नॉर्मली, अब यहां से कैसे होंगी, ऐसे निकलेंगी, खोपड़ी ऐसे निकलेंगी, सही कहा ना, अरे भाई इसके अंदर चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे गुजरेंगी, इस ये शीट रखी हुई है, ये शीट रखी है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन से गुजर रही है, शीट ये है भाई, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, इसका ऐसे भी रख दीजिए शीट को, लेकिन जो गॉसियन सरफेस आप खींचोगे उसमें ये सरफेस तो नॉर्मल हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, शीट को कैसे भी रखिए, इस शीट के नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, लेकिन जो आपका गॉसियन सरफेस है उसके ये सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर क्यों होगा ना, समझ बात आई नहीं आई, नहीं समझ में आई, तो हमारे पास तीन सरफेस है, ठीक है, तो अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें, टोटल डायरेक्ट निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना चाहें, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस कर दे फॉर सरफेस वन, चलेगा ऐसे, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस कर दे फॉर सरफेस टू, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस कर दे फॉर सरफेस थ्री, डाइड कर दिया, एक होगा। अब जरा सरफेस वन पे आइए, सरफेस वन पे ई और डीएस के बीच कितना एंगल है, जीरो, तो इसको आपको सरफेस वन के लिए ई
ई डी एस लिख सकते हैं, प्लस सरफेस टू के लिए ई डी एस लिख सकते हैं, प्लस सरफेस थ्री के लिए जीरो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस थ्री में ई और डी एस के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये टू टाइम्स आ गया, इसको टू टाइम्स ई और क्लोज इंटीग्रल डी एस। डी एस बोले तो इस छोटे से सरफेस का एरिया जो आपने लिया है ये वाला, और इसका पूरा एरिया कितना है? ए बुक की थोड़ा कंफ्यूजन है, वो पूरे एरिया में से डी एस निकालते हैं, लेकिन दिखाए एनसीईआरटी में ये जो गॉसियन सरफेस है और रेक्टेंगुलर लिखा गया क्यूबॉइडल शेप में है, तो कोई शेप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि टू ई इंटू ए, ये आपका फाइव ई निकला इस गॉसियन सरफेस से। गॉस आप क्या कहते हैं भाई? गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है? भाई यूनिट एरिया में सिग्मा है और एरिया इसका कितना है? ए। तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, तो इसका एरिया क्यू कितना होगा? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए फाई। इक्वेशन नंबर टू, दोनों देखिए मेरे द्वारा दिया गया फॉर्मूला, गॉस द्वारा दिया गया फॉर्मूला, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को इक्वेट कर दो। यहां तक पहुंची पहले आप समझ के लिखिएगा, देखो अगर जुगड़ा ही नहीं करेंगे ना तो क्लास में सो जाएंगे आप, मजबूरी हमारी नहीं है, मैं मालूम नहीं दिया जाएंगे ना। अब जरा समझिएगा, दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय एपी वाइज पे। मैं बता दूं एपी वाइज पे बोले तो मैं इसलिए बता दूं, वीडियो बना रहा हूं। अब कोई स्टूडेंट माने बाई चंद देगा, बोले एपी वाइज पे ढूंढ रहा है किताब में एपी वाइज पे कहां लिखा है, कोई साइंटिस्ट नाम ही नहीं लिखा हुआ है। तो ये मेरे द्वारा फॉर्मूला दिया है, ये गॉस ने दिया है, तो दोनों को इक्वेट कर दो बाय इक्वेशन वन एंड टू। हमारे हिसाब से फॉर्मूला क्या निकला? टू इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल आउट, ई बराबर क्या आएगा? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, सावधान एक मिनट, ये जो प्लेट ली है ना, ये हमने सिंगल साइडेड ली है, मतलब इतनी पतली प्लेट ली है इसमें केवल एक ही लेयर है, इधर से देखो चाहे इधर से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने थोड़ी मोटी प्लेट ली तो चार्ज दोनों तरफ बढ़ जाएगा, इधर भी होगा और इधर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट लगाएगा, उधर अलग आएगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कैपेसिटर में करेंगे फिर, तो कैपेसिटर में दो प्लेटें रखी जाएंगी, ठीक है। स्कूल पढ़ा दिया गया क्यों ऐसा होता, पढ़ाया गया क्यों वो प्लेट रखी जाती? अच्छा ये तो क्या बोलते, अभी ये भी नहीं गए थे, तुम गए थे, बताया गया दो प्लेटें क्यों रखी जाती? तो मैं ये बता दूंगा दो प्लेटें रखी क्यों जाती, क्यों लॉजिक क्या वहां पर है, वो सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन वहां पर सिंगल साइड मानी गई, वो इतनी पतली प्लेट मानी गई है कि वो सिंगल है। लेकिन अगर कोई कंडक्ट आपने मेटल की शीट ली तो शीट तो थोड़ी मोटी होगी ना, चार्ज इधर भी होगा चार्ज इधर भी होगा, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर बहुत पतली शीट है, ठीक है, तो लगा दीजिएगा नेक्स्ट क्लास।